नमस्कार राजू शर्मा, पुनः जिस तरीके से हम लोग ने कैदियों से बातें करी और बहुत ही अच्छा उनसे एक नया भाव मिला कि जेल के अंदर का ये सुधार का तरीका एकदम अलग था। बाहर हम लोग सुनते हैं कि जेल के अंदर उत्पीड़न होता है, बहुत चीज़ होती है, लेकिन जब से हमारे एचबी सिंह सर आए हुए हैं जेल के अंदर, बहुत ही कुछ नई चीज़ें भी होने लगी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और बार बार कुछ ना कुछ नया आप करते हैं और कैदियों को सुधरने का एक अलग से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिलता है और कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो उसके चलते मशरूम की खेती का जो एक प्लान हुआ था वो किस तरीके का था और क्या हुआ, और आज प्रशिक्षित पाके बड़े खुश हैं, इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा प्रायोजित RCT के तहत ये 10 दिवसीय मशरूम कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जिसमें हमारे लगभग 30 मंदी प्रशिक्षित हुए। ये सबसे कम लागत से बिना किसी प्लेस के एक छोटे से कमरे में भी इसकी फार्मिंग की जा सकती है और लागत बहुत कम आता है। किंतु इसका, चूँकि मशरूम ऐसी सब्जी है जिसका उपयोग शहरों में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत चाव से करते हैं जी, तो यह ऐसा प्रशिक्षण है जो इनके लिए बड़ा लाभकारी होगा जी। यहाँ से जब निकलेंगे तो उनके ऐसा प्रशिक्षण मिल चुका है जी, जिसके द्वारा ये न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी भरण पोषण अच्छी तरीके से कर पाएंगे जी, और समाज के अन्य लोगों को भी इसके बारे में दिशा निर्देश दे सकते हैं। सर, जैसा हम लोग सुनने के लिए बाहर ही आता है बहुत कुछ की, जितने भी जजेस हैं, कोटे हैं, वहाँ के लिए भी चेयर्स वगैरह तैयार होती है, तो क्या कुछ खास होता है जेल के अंदर, लोग जानना चाहते हैं लेकिन उससे मुखातिब नहीं हो पाते? हाँ, ये आप जहाँ इस समय में हो जी जी, ये आपका कास्ट कला उद्योग एवं लौह उद्योग जी, यहाँ पर फर्नीचर, रैक्स जी, और ये सब चीज़ें तैयार होती हैं जी। माननीय न्यायालयों, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ जी के वहाँ के निर्देश पर उनके लिए आवश्यकतानुसार यहाँ पर फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, रैक्स तैयार की जाती हैं और बराबर वहाँ पर। तो ये सब क्या जिस तरह कैदियों के ही द्वारा ही सारी चीज़ें, सारी कैदियों के द्वारा तैयार की जाती हैं और उनको इसका एक निर्धारित वेजेस मिलता है जी जी। हाँ, तो ये उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत अच्छा जी हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपने प्लान करी होंगी, पहले भी आप और जेलों में रहे होंगे और निश्चित रहे होंगे, तो क्या आगे भी और चीज़ें डेवलप होंगी जेल में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ और, जैसे आज ये मशरूम का प्रशिक्षण हुआ है, ऐसे ही मैं महिला बंदियों को सिलाई बुनाई प्रशिक्षण भी शायद RCT के द्वारा ही दिलवाएंगे और अन्य समाज से भी संस्थाओं के द्वारा से संपर्क करके हम अपने समस्त बंदियों को कुछ ऐसे उपयोगी प्रशिक्षण दिलाएंगे जिससे कि इनका बाहर निकलने के बाद जीवन बड़ा सुख में रहे जी। हरिभक्त जी हमारे साथ थे, उसके साथ साथ पूरी टीम आप पीछे देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ये वही टीम है जिनके अथक प्रयास से कैदी अपनी हर एक चीज़ें जो पुरानी गतिविधियाँ रही हैं उससे हटकर आज कुछ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगे हैं, और साथ ही साथ हमारे जेलर एचबी सिंह जी का भी बहुत ही कुछ योगदान रहा इन सब चीज़ों में। जेल के प्रांगण में आप और देख रहे हैं कि किस तरीके से सुधार होता है कैदियों का। मैं राजू शर्मा प्रयागराज चैनल से आपके लिए लेके आया हूँ कृष्ण शर्मा जी, कैमरामैन। थैंक यू।